हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रदेश भर में किसानों ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाया। आंदोलन के तहत किसानों ने प्रदर्शन व गिरफ्तारियां को लेकर रोष जताया। आंदोलन के दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी व नव उदारवादी नीतियों को लागू करने के लिए खूब कोसा। हिमाचल किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से स्वाभिमान आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों को कृषि ऋण माफी का वायदा किया था, मगर सत्ता में आने के बाद लंबा समय बीतने पर भी किसानों से किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया है। स्वाभिमान आयोग की सिफारिशों को लागू न कर पाने की केंद्र सरकार ने असमर्थता जताई है, जिसका हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है। तनवर ने कहा कि प्रदेश में करीबन 25 से 26 स्थानों पर किसानों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी हैं। किसानों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हल्ला बोला गया। स्वाभिमानतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसान को उनकी उत्पादन लागत पर 50% समर्थन मूल्य दिया जाए, किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाए, 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के किसानों को सरकार 5,000 रूपये पेंशन दे, जमीन से किसानों की बेदखली रोकी जाए, गरीब और भूमिहीन किसानों को 5 बीघा भूमि को नियमित किया जाए, जंगली जानवरों और लावारिस पशुओं से निजात दिलाई जाए, दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रूपये प्रति लीटर किया जाए, मनरेगा को सुचारू ढंग से चलाया जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।